गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की। एक होता है वांट जिसमें टू नहीं लगता है, उसका मतलब होता है चाहिए। और इस वांट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। वहां कोने में देखिए एक पट्टी आ रही होगी जिसपे लिखा होगा चाहिए वाले सेंटेंसेस, उस पर क्लिक कर आप उस वांट के बारे में जान सकते हैं। पहले हम बात करते हैं वांट टू के बारे में। वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं या चाहती हूं। अब इसका फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल स्टॉप के साथ खत्म। आपको यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी ही शी नेम इट जैसा कोई सब्जेक्ट है, तो आपको वांट टू की जगह वांट्स टू लिखना पड़ेगा यानी एस लगाना पड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि आई यू वी दे, तो आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली वांट टू से ही काम बन जाएगा। यह सिर्फ अफर्मेटिव का रूल है। आप जरा नेगेटिव यानी नहीं वाला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू डस और फिर नॉट, फिर वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां पर एस वेस का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन डू डस का चक्कर है। अब आपको मैं डू डस अलग अलग करके दिखाता हूं। सिंगुलर जैसे कि ही शी नेम इट है तो डस लगाएंगे, और अगर प्लूरल जैसे कि आई यू वी दे है तो आप डू यानी डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप क्या वाला यानी इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो आप इन डू डस को पहले ले आएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वही वांट टू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको एंड कर देंगे। चलिए आइए एक साथ दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला है मैं जाना चाहता हूं और दूसरा है राम पढ़ना चाहता है। देखिए दोनों में ही चाहता है, चाहती है, चाहते में से कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये तो पक्का है ये वांट टू में ही जाएंगे। पहले लेते हैं मैं जाना चाहता हूं, तो चलो बनाएं मैं के लिए आई, अब चाहता हूं के लिए वांट टू। अब देखिए एस नहीं लगेगा क्योंकि आई यू वी दे के साथ एस नहीं लगता। आई वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई वांट टू गो। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे, आई डू नॉट। डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ डू आता है, आई डू नॉट वांट टू गो। और अगर मैं कहूं क्या मैं जाना चाहता हूं, यानी क्वेश्चन कर रहा हूं यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये डू उठाकर पहले ले आएंगे, डू आई वांट टू गो। राम पढ़ना चाहता है, यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिया है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी राम यानी नाम है। चलो बनाए, सबसे पहले नाम यानी राम लिख देंगे, अब वांट टू नहीं वांट्स टू। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही शी नेम इट सिंगुलर पर्सन के साथ एक वचन के साथ एस आएगा वांट में। राम वांट्स टू, अब रीड लिख देंगे या स्टडी लिख देंगे, मैंने रीड लिख दिया, राम वांट्स टू रीड। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, राम डज नॉट। अब मैंने डज इसलिए उठाया है क्योंकि सिंगुलर के साथ ही शी नेम इट जो भी हैं इनके साथ डज यानी डज नॉट लगता है, राम डज नॉट वांट टू रीड। ध्यान से देखिए मैंने वांट का एस भी हटा दिया क्योंकि एस अगर लगेगा तो वो अफर्मेटिव में ही लगेगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में नहीं लगेगा। क्या राम पढ़ना चाहता है, डज राम वांट टू रीड। अब यहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, अगर वांट और टू अकेले दिखाई दे रहे हैं तो स्टाइल वाली इंग्लिश में उन्हें वांट टू की जगह वाना बोलते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, यहां पर वांट और टू एकदम अकेले हैं, इन्हें मिला दो वाना तो हो जाएगा आई वाना गो, इसका मतलब वही है मैं जाना चाहता हूं। नेगेटिव में भी वांट टू अकेले हैं, आई डू नॉट वाना गो। और थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं, इस डू नॉट को भी मिला दीजिए, आई डोंट वाना गो। डू नॉट को मिलाकर डोंट बन गया, वांट टू को मिलाकर वाना बन गया। और अगर मैं क्या वाला बनाना चाहता हूं, डू आई वांट टू गो, तो इसकी जगह मैं बोल सकता हूं डू आई वाना गो, तो कितना स्टाइलिश लग रहा है। राम वांट्स टू रीड, यहां पर वांट्स टू को वाना में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वांट टू जब अकेले होते हैं जब भी वाना बनाया जा सकता है, यहां पर बीच में एस अटक रहा है, तो जब भी एस ई एस या फिर ई डी या फिर कुछ अटकेगा तो वाना नहीं बनेगा, तो इसे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं राम वांट्स टू रीड। लेकिन जैसे ही नेगेटिव में पहुंचे, राम डज नॉट वांट टू रीड, तो एस तो चला गया है, अब हम कह सकते हैं राम डज नॉट वाना रीड। अब इस डज नॉट को भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं राम डजंट वाना रीड। और अगर मैं क्या वाले की बात करूं, डज राम वांट टू रीड, तो अब इस तरह से आप कई मजेदार सेंटेंसेस वांट टू के साथ बना सकते हैं। आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, यहां पे वांट टू गो वाना कर दिया, शी डज नॉट वांट टू गो, वो नहीं जाना चाहती है, यहां पर वांट टू गो फिर से वाना कर दिया, या फिर यू डोंट वाना स्टडी, तो यहां पे फिर से मैंने वांट टू गो वाना और डू नॉट को डोंट बना के इंग्लिश को थोड़ा सा डेवलप कर दिया, थोड़ी स्टाइलिश बना दिया। नेक्स्ट आता है वांटेड टू।
अगर इसका टू हटा दें, खाली वांटेड का मतलब होता है तलाश है, जैसा कि क्रिमिनल्स की फोटो के नीचे लिखा होता है वांटेड, सलमान खान की एक फिल्म भी है वांटेड, अगर इसमें टू लगा दिया जाए वांटेड टू, तो इसकी हिंदी हो जाती है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे और चाहा। इसका फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वांटेड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस वेस का चक्कर नहीं है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो वांटेड का वांटेड ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में थोड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट आएगा, और जैसे ही डिड नॉट आएगा तो वांटेड नहीं लिखेंगे, खाली वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डिड सबके साथ आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं आएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम जाना चाहते थे, अब इसके लास्ट में चाहते थे आ रहा है और वांट टू लगता ही चाहता था, चाहती थी, चाहते थे के लिए है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम के लिए यू हो जाएगा, चाहते थे के लिए वांटेड टू, यू वांटेड टू, और जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, यू वांटेड टू गो। अब इसी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, भाई तुम तो नहीं जाना चाहते थे, यू डिड नॉट लग जाएगा, और जैसे डिड आएगा आपको पता है वांटेड नहीं लिखना है, वांट टू, यू डिड नॉट वांट टू गो। और अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या तुम जाना चाहते थे, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड यू वांट टू गो। यहां पर फिर से नीचे वाले सेंटेंसेस में, यानी पहले तो ऊपर तो वांटेड है, तो उसका वाना बन नहीं सकता जब तक वांट टू सेपरेट ना दिखाई दे, तो वहां पर तो वो ईडी अटक रहा है, लेकिन जैसे ही डिड आया वांट टू फिर से अकेले हो गए, तो अब यहां फिर से हम इसे वाना बोल सकते हैं। जैसे तुम जाना चाहते थे यू वांटेड टू गो, यू डिड नॉट, इसको भी कंबाइन कर दीजिए, यू डिडंट वाना गो और डिड यू वाना गो। चोर ने भागना चाहा, यहां पर देखिए चाहा आ रहा है, तो ये भी वांटेड टू में ही जाएगा, चलो बनाए थीफ या द थीफ, द थीफ वांटेड टू रन, नेगेटिव बनाना है, द थीफ डिड नॉट वांट टू रन या फिर डिडंट वांट टू रन। और अगर मुझे क्या वाला बनाना है, क्या चोर ने भागना चाहा, डिड द थीफ वांट टू रन, तो अब आपको वांट टू और वांटेड टू वाले सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए मैंने वांट टू और वांटेड टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़े हैं, जिसे बोलते हैं यू वर्क। आप जाइए अपना यू वर्क करके आइए, मैं लाइक कर उसको चेक कर दूंगा, कोई गलती होगी तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए।